हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम्स। कोपा सुड अमेरिकन लीग का मैच वैसा ही मैच है जैसे ऊपर वाला मैच था 3:30 बजे वाला। जैसा मैंने उसके बारे में बोला कि दो अलग अलग क्लब्स के बीच ये मैच है, अलग अलग लीग के क्लब्स के बीच, बोका जूनियर्स एंड क्रुजेरियो, जो कि दोनों अपने अपने क्लब में एवरेज खेलते हैं। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम है, जस्ट एक नॉर्मल टीम है ये दोनों, कि एक अच्छा खासा मैच जीत जाएँ और कभी कभार हार भी जाएं, मतलब ये तो चलता ही रहता है। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों साइड ना थोड़ा सिमिलर है। मतलब ऐसा है कि इधर तो 60-40, 70-30 कुछ नहीं है, यहाँ तो सब 50-50 है। सीधी बात करूँ अगर, क्योंकि 50% ये स्ट्रॉन्ग है, 50 ही ये, विनिंग चांसेस भी 50-50, गोल चांसेस भी 50-50, समझ रहे हो ना, मतलब सब कुछ सिमिलर है। तो अगर आप ये वाला मैच खेलना है तो मेरे भाई लेस इन्वेस्टमेंट रखना, डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट हाई, क्योंकि उतना भी बेटर मैच नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो स्ट्राइकिंग के अंदर ना ई कवानी द एक्सपीरियंस प्लेयर बिलोंग्स फ्रॉम आई थिंक कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, आई थिंक फ्रांस का है, पता नहीं कहाँ का है, और इंटरनेशनल पहले खेलता था। उससे पहले अगर क्लब की बात करें तो काफ़ी टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिताया है इसने, बहुत टाइम, बट बेचारे को रेगुलर नहीं खिलाते थे। तो अगर ये खेलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी जगह पर मिल्टन जिमेनेस मिलता है तो मैं कहता हूँ और भी अच्छी बात है। मतलब मेरी नज़र में मिल्टन जिमेनेस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेयर। अभी मैं कवानी को सेफ कर रहा हूँ। और मोरेंट्रियल की बात करें तो वो ऐसा है कि ऑपोजिशन टीम के कई प्लेयर हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म में रहते हैं। मतलब इससे तो ऐसा है कि जैसे आर सिल्वा जो कि अच्छा खेलता है, ठीक है, मैं इसको लूँगा। उसके बाद अगला जो मेरा प्लेयर है दैट वॉज एल दियाज, अगर खेलता है तो, मतलब परमानेंट ऐसा नहीं कि मैंने लेना ही लेना है, एल दियाज अगर खेलेगा। अगर एल दियाज नहीं खेलता देन मैं जाकर कहीं सोचूंगा वेरॉन के और मेरेंटियल के बारे में। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, देखिए मिडफील्डिंग सेक्शन के अंदर एम परेरा की बहुत वैल्यू है। एम परेरा इस वक्त सीआरयू में है ना, क्रुजेरियो में। तो एम परेरा पहले था इंग्लिश चैंपियनशिप लीग में, 2-4 सीज़न प्रीमियर लीग में भी खेला है, इनकी टीम एक बार क्वालिफाई हो गई थी प्रीमियर लीग के लिए, तो एम परेरा को बहुत एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर बात करें तो इफ़ यू वांट टू ट्राई लुकास रोमेरो तो कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि गोल आएगा, लेकिन मैं बैरियल को कर रहा हूँ, मैं बैरियल को थोड़ा अच्छा प्लेयर मानता हूँ। एंड अगर आगे बात करें मेडिना को लूँगा, मेडिना के बाद आई एम गोइंग विद जैनन, ठीक है। आगे अगर मैं डिफेंडिंग साइड की बात करूँ तो मेरा देखो शुरू से ऐसा है, जिस साइड के मैं ज़्यादा प्लेयर लेता हूँ उसी साइड के मैं डिफेंडर लेता हूँ। जिस हिसाब से 4 प्लेयर मेरे पास सीआरयू के हैं तो नेचुरली मैं सीआरयू के ही मेन ज़्यादा प्लेयर उठाऊंगा। द फर्स्ट वन वॉज वो इस मैच में डब्ल्यू फुटेडो, उसके बाद इवाल्डो। ऑपोजिशन टीम का मैं इसलिए प्लेयर पिक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे डाउन लग रही है टीम, इसलिए वी हैव टू टेक 4th डिफेंडर एम स्केवियर, है ना। और अगर आगे बात करें गोल कीपिंग की तो एस रोमेरो के साथ यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, जो कि बहुत पुराना और एक्सपीरियंस गोल कीपर है अपनी टीम का। हालांकि रैमस भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। आगे बात करें कप्तान की तो मेरा जो कैप्टन है दैट वॉज इस मैच में स्पेशली जो मेरा कप्तान है वो रहने वाला एम परेरा, एंड वाइस कैप्टन वॉज आर सिल्वा। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।